यहीं आसपास में तो होना चाहिए, रोक देखता। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं बढ़िया से बाल काट के बढ़िया से पूरा रेडी हो गया हूँ। यहाँ पे जाके दुर्गा पूजा देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। पहली बार है मेरा कोलकाता पे दुर्गा पूजा, आप लोगों को पता ही होगा। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, सबके लिए जो है व्लॉग हर दिन, सप्तमी अष्टमी नवमी दसवीं सब दिन में आप लोगों के लिए हर एक डे पर, मतलब हर दिन मैं आप लोगों के लिए व्लॉग जो है वो मतलब बनाऊँ। द थिंग इज़ कि मेरा ये पहली बार है कोलकाता में, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब देखें कोलकाता में दशहरा कैसा होता है। ऐसा तो नहीं है ना, बहुत जन ऐसे हैं जो व्लॉग्स, मतलब बहुत जन ऐसे हैं जो कोलकाता का दुर्गा पूजा नहीं देख पाते होंगे, राइट? तो अभी आज खुशी की बात ये है कि मम्मी भी आज आ रही है, उसका टिकट भी हो चुका है, ठीक है। कल जैसे मैंने आप लोगों को बताया टिकट से हो गया है, तो आज उन लोग ट्रेन में चढ़ चुके हैं, उन लोग आएंगे, उनको पिक करने जाना है। और उसके बाद हम पूरी कोशिश करेंगे कि नॉर्थ कोलकाता को कवर करने के लिए आज, क्योंकि आज मेरा छुट्टी है, कल ऑफिस फिर से रिज्यूम हो जाएगा तो वाट लग जाएगा, ठीक है। एक सेकेंड, ये क्या यार कैमरा, इसको क्या हो गया है? ओके, सो हम पूरी कोशिश करेंगे घूमने का, ठीक है। तो ब्लॉग पे बने रहिए। अभी उन लोगों के लिए थोड़ा खाना वाना बनाना है, तो मैं अभी जा रहा हूँ मछली लेने, क्योंकि मम्मी को मछली खाना था। उसने पहले ही बोल दिया था मुझे कि मैं मछली खाऊंगी, मेरे लिए मछली बना के रखना। तो मैं मछली ख़रीदने जा रहा हूँ, और उसके बाद जो है उसके लिए कढ़ी भी बनाना है, चावल भी बनाना है। तो ये सब चीज़ बनाने के लिए थोड़ा सा वक्त लगेगा। और अभी बज रहे हैं सुबह के 11 o'clock, और मैं जल्दी उठ गया था, बट थोड़ा सा काम था, इसी के लिए मैं ब्लॉग जो है वो लेट से स्टार्ट कर रहा हूँ। सो मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, मौसम अभी बहुत अच्छा हो रखा है, रखो मैं दिखाता हूँ। ये है घूमने वाला मौसम, समझे? ये होता है घूमने वाला मौसम। पूजा के टाइम पे, रात टाइम पे जाके पूजा, मतलब पंडाल होपिंग करना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि क्राउड बहुत ज़्यादा रहता है गाइस, और टाइम बहुत ज़्यादा उसमें चला जाता है। सोच रहा था कि सुबह ही जाके, मतलब आप लोग को सबको यहाँ का अलग अलग जो एरियाज है, जैसे नॉर्थ कोलकाता साउथ कोलकाता हो गया, वहाँ का पैंडल्स वगैरह मैं आपको दिखाऊँ, बट यहाँ पर टाइम नहीं मिल रहा है, एडिटिंग करना पड़ रहा है। तो सुबह टाइम छोड़ा है, सुबह टाइम में जाके क्या फ़ायदा है, लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं चलता होगा, मतलब पूजा पूजा जैसा नहीं लगेगा। शाम को छोड़ो, क्राउड भी होगा बट अच्छे से देखेंगे, ठीक है। मम्मी लोग आ रहे हैं, उन लोगों के साथ पूजा इंजॉय करेंगे यार। तो व्लॉग पे बने रहिए, अभी मैं चल रहा हूँ जाके मछली लेने जा रहा हूँ, चलो ठीक है, टिल देन बाय बाय वगैरह बस पहन रहा हूँ, और मैं बस ऐसा फेंक रहा हूँ, देखो तो क्या नाचोगे? मम्मी आएगी तो इतना गाली देने वाली है मेरे को। और कल क्या हुआ है, कल गाड़ी धोते धोते मेरा हाथ जो है ना यहाँ पे कट गया है, देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, बहुत भयानक तरीके से कट गया है भाई। रात को पूजा देख के आते आते बहुत वक्त हो गया था, तो इसीलिए मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाया, ठीक है। तो अभी मैं वही व्लॉग को कंटिन्यू कर रहा हूँ, और आज जैसे मैंने बताया कि मम्मी लोग आने वाले हैं, टिकट्स वगैरह बहुत मुश्किल से हुआ है गाइस, और घर में बस मेरा भाई है और छोटे छोटे बच्चे लोग, डॉगीज मेरे बच्चे लोग, सब वहाँ पर हैं, और बाकी भाभी हैं और घर में है सब कोई, बस मम्मी और दो भैया की बेटियां आ रहे हैं, ठीक है। सो अभी उन लोगों के लिए खाना बनाया जैसे मैं बता रहा था, और आज महा अष्टमी है, सो शुभ अष्टमी सबाई के। अभी चेष्टा करछी बंगाली लैंग्वेज सीखने के लिए, तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को बंगाली लैंग्वेज सीखने में, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बंगाली लैंग्वेज जल्द से जल्द सीख जाऊँ। देखिए यहाँ पे अष्टमी का पूजा भी स्टार्ट हो गया है, और देखो यहाँ पे कितना रश है। अभी निकलते हैं गाइस, मछली लेते हैं। ये नल जो है थोड़ा सा ख़राब हो गया है, इसका भी बनाना है। बड़ा कंकड़ा है रे, रुई मछली, ठीक है आप 1 किलो दे दीजिए। कैसा है रे? रेट कितना बोले भैया? ठीक, मछली ले लिया हूँ, अभी बस कड़ी के लिए दही, गाड़ी चलो करते हैं। बैगन सब मस्त, सारा सामान एक बार में ले लेने से
टेंशन ज़्यादा है। सो गाइस रेस्ट होम भैया, पूरा मौसम पे है आज। देखो उसका घर ये सामने वाला पड़ोसी हो गया। ये मछली को धोने का तो टेंशन है, मेरे को धोना नहीं आता। अभी जस्ट फ़ोन किया था मम्मी को, बताई। अब यहाँ पे पनीर है, पनीर और रोटी है, मैं अभी खा लूँगा ब्रेकफास्ट में और इसको धो के अभी रख दूँगा। हो गया है दो वड़ा, दो रोटी, थोड़ा सा पनीर सांभर, और ये मैं वड़ा खरीद के लेके आया था। तो ये अब खाते हैं, फ्रेश होते हैं और उसके बाद फिर खाना बनाते हैं। अभी और पेशेंस नहीं है। तो गाइस मछली ऑलरेडी बन चुका है, बस ये पकने के बाद मछली जो है बन जाएगा, उसके बाद मैं गैस को बंद कर दूंगा। मछली डन हो चुका है, अभी मैं बना रहा हूँ लाल भाजी। मम्मी को बहुत पसंद है तो मम्मी पहले ही मेरे को बोल देती, तो मैं ये लेके आया हूँ। अभी मैं बना रहा हूँ। तो ये तो बनाने का बहुत सिंपल रेसिपी है, बस इसको काटना है बारीकी से और उसके बाद इसमें डाल के इसको बॉयल कर देना है, बस हो गया। तो मिर्चा चिटकी अगर खाई दे तो मजा लगेगी। वो खाना पीना बनाना था, सारा कुछ मैं बना चुका हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए, और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, बारिश वारिश सब छूट गया। और 5 मिनट के लिए हो रहा था क्या बारिश? A few moments later. आसपास में तो होना चाहिए, रुक मैं देखता हूँ। तो गाइस अभी इन लोग पहुँच गए, अभी हम लोग उनको टैक्सी करना पड़ेगा और यहाँ से फिर निकलेंगे। तृप्ति मांगी क्या दादी सुजी जी? हाँ ये वाका है दादी, एंता देखो तू चश्मा रो एटा नुआ फ्रेम लगा लो ना, देख मोर पेड़ देख। मोर सांग मन पचराले बेला एटा के नै जे मोर नाना आइ गइ। पेट बिरयानी खाई खाई हो देख ई छतका छतका एकर सुईबा तू भी तो लाखे मारी मारी सुई से तू तले सुईबो तो तोर लागि डर हो जागा। हे मते पीटबो तोर मां के वीडियो देखामी मुई बुझलो। हे बे देख देख चालू चालू कर ये सामान रखो। आउटे बैग आउटे बैग बस मां क्या मिल गया भाई, अब जाना चाहिए। खोल देता हूँ भाई सीट बेल्ट। अरे बाप रे फाइनली गाड़ी मिल चुका है, बाकी जाम अभी जाम कितना है देखना पड़ेगा, देखते हैं। अभी हम लोगों गाड़ी पे बैठ चुके हैं माँ। अभी देखो ये रास्ता देख कितने भीड़ है बा, देखो हेला कि मैंने हावड़ा ये हावड़ा एरिया रो हमें जिन न्यू टाउन की जिमा মানে এতে সুন্দর করে সজা হয়েছে আউ মানে কলকাতা দুর্গাপূজা লাগি দেখবো হেলা। এটা বলে তুই তো কেবে না আসে কলকাতা, এটা ফার্স্ট টাইম না মানে দুর্গাপূজা দুর্গাপূজা ফার্স্ট টাইম দেখুছ না? হে তৃপ্তি তৃপ্তি আরে সবকই পুরো টায়ার্ড হয়ে চুকে হ্যাঁ। 160 কিলোমিটার পুরা উড়িষা নু কলকাতা বেলে কম হলেন বাইক দিয়ে কেনা করে হাইটা তো কুছে কেনা করে আইলা যে ভাব কিলোমিটার বাকি আছে কত আছে কত সবু সবু দেখি দেখি করে আইছিল আমরা সব পচরো আমরা বিছে আমার সাইকেল পিলা ডাল আছে চেক করি করি কিনা কহুতিবা সুদি আমার কমিটি করতে না আমার বরগড় রপিলা ও বরগড় রপিলা সে দি দসরা দেখি দুর্গা পূজা দেখি আইছে তার কাকা ঘরে রস না নি না সব পুষন।
अलविदा हबीब। फ्लाई ओवर कितना किलोमीटर है? ब्रिज पूरा? हाँ साठ, 5 किलोमीटर पूरा। बाप रे बाप। अभी ट्रैवल करके आ रहे हैं तो मम्मी को थोड़ा सा हो गया है ज़ुकाम, तो अभी आसपास में कहीं पे एक मेडिसिन स्टोर देख के वहाँ से मेडिसिन ले लेंगे, कि वो ज़्यादा ज़रूरी है। भैया यहाँ पे आसपास में अगर कहीं पे मेडिसिन स्टोर दिखेगा तो थोड़ा रुक दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा रुक दीजिएगा, यहीं पे मेडिसिन स्टोर है, ये ऊपर जो प्लस साइन दिखा। एक सेकंड, हाँ एक मिनट, मैं मेडिसिन आने रहा हूँ। चलो गाइस हम लोग पहुंच गए, लगेज निकाल दीजिए ना। हाँ गो रोक ही ना, तो रोक इधर से स्ट्रेट जाके सिक्योरिटी गार्ड वाला आ जाएगा ना, वहाँ से आप रिटर्न चले जाएगा। सो फाइनली सब कोई आ गए, बहुत खुशी हो रही है। बाकी लगेज बहुत भारी है और मैं अभी आप लोग के साथ मिलता हूँ वहाँ घर पहुँचने के बाद, ठीक है? ब्लॉग। अरे बोले इतना सामान, बाप रे बाप। एवरीवन इज सो टायर्ड नाउ, तो अभी मैं ये ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। मम्मी अपना काम कर रही है, अभी फ्रेश हो जाएंगे सब कोई, तो अभी मैं ये ब्लॉग को एंड कर रहा हूँ। होप आप लोग को अच्छा लगा होगा ये ब्लॉग, अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। कल एक न्यू ब्लॉग पे मिलेंगे फिर, ठीक है?